हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमीज एटू सेंटर। दिस इज सिमी हेयर। आज हम क्लास 9th के फिजिक्स के ग्रेविटेशन के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन चैप्टर को सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? एक स्टोरी आता है न्यूटन के एप्पल के पेड़ के बारे में। न्यूटन एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल उनके सर पे आके गिरा। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन फोर्स का। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। एप्पल जो नीचे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरा, अर्थ जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स एप्पल पे लगाया और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, कोई भी दो बॉडी यूनिवर्स में है वो हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे प्लैनेट हमारे हैं जो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, वो उन सन और प्लैनेट के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो उस दोनों के बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स के ही कारण प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं। यहाँ हम अर्थ में हम खड़े हैं या चल रहे हैं, हर चीज में हमें ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ये फोर्स इतना कम होता है कि हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हम फील नहीं कर पाते हैं ये कि ये हमारा ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है हमें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्थ के अराउंड अगर मून घूम रहा है तो मून वो अर्थ के अंदर क्यों नहीं चला जा रहा है, उससे कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है? तो जैसा हमने अभी पहले भी पढ़ा कि ग्रेविटेशन फोर्स हर ऑब्जेक्ट में लग रहा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अर्थ और मून के केस में वो कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किस मोशन में वो घूमेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मास जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो ही अट्रैक्ट कर पाएगा। तो अर्थ का मास और मून का मास में हम कंपेयर करेंगे तो अर्थ का मास हमारा बहुत कंपैरेटिवली हाई है एज कंपेयर टू द मून। तो अर्थ है, उसके चारों ओर हमारा मून घूम रहा है। एप्पल अर्थ में नीचे क्यों गिरा? एप्पल अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट किया अपने में? क्योंकि एप्पल जो है उसका मास जो है वो कंपैरेटिवली बहुत लो है एज कंपेयर टू द अर्थ। तो अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर लिया और एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं किया। मून और अर्थ के केस में भी यही एग्जाम्पल है। हमारा प्लैनेट जो सन के अक्रॉस घूम रहा है उसमें भी यही एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मास जिसका ज्यादा होगा उसी के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा और कोलैप्स नहीं करेगा। ओके, टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट काउजेज द एक्सिलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज करते हैं एक किसी भी चीज को हम एक रस्सी से बांध लेते हैं और उसे ऊपर में हम राउंड एंड राउंड घुमाते हैं, तो जो फोर्स उस बॉडी को राउंड एंड राउंड मूव कराने में हेल्प कर रहा है वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? इस फिगर में हम देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास स्मॉल एम है, दूसरे का मास है कैपिटल एम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, जिसका मास एक का कैपिटल एम है और दूसरे का स्मॉल एम है, और दोनों आर डिस्टेंस दूर रखा गया है एक दूसरे से, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हम पढ़े हैं पिछले टॉपिक में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, तो ये भी इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ लगेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। ओके, तो एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम।
एंड दूसरा पॉइंट है एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स लग रहा है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम एंड फोर्स प्रोपोर्शनल टू अनडिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसे हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा एफ प्रोपोर्शनल टू एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाएंगे तो हम जी ऐड करेंगे, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर हमें जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ओके, ऐसा ही यूनिट जी का ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या होगा, एन फोर्स का न्यूटन होता है, आर का डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर होता है, और मासेस है एम और एम एम कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो वो दोनों केजीज में होंगे। तो ऐसा ही यूनिट जो हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का होगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। और वैल्यू जो है जी का ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, इसे हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके हम भी निकाल सकते हैं, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है उससे हम निकाल सकते हैं ये जी का वैल्यू। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बस यही है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम और कैपिटल एम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो प्रोपोर्शनल टू है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए हम कैपिटल जी को ऐड करते हैं जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेविटेशन लॉ का, जो हमने अभी पढ़ा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि हम अर्थ में हैं, ये ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण ही है कि हमें अर्थ पकड़ के रखा हुआ है, न तो हम अर्थ में पकड़ नहीं रह पाते। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो भी ग्रेविटेशन फोर्स के ही कारण है। टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, हमारे जो ओशन में टाइड्स आते हैं वो मून के मोशन के कारण ही आते हैं। इफ मून अगर ज्यादा क्लोज आ जाते हैं हमारे अर्थ से तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स डेवलप होते हैं हमारे ओशंस में। नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है, ठीक है, केपलर जी ने तीन लॉ दिए हैं हमारे मोशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है उसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ में केपलर ने क्या कहा है, फर्स्ट लॉ में केपलर ने कहा है कि हमारा जो प्लैनेट है वो सन के अक्रॉस मूव कर रहा है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इट मींस वो इलिप्स का फॉर्मेशन कर रहा है जिसमें कि सन जो है वो एक फोकस में रखा हुआ है। हम जानते हैं कि इलिप्स के दो फोकस होते हैं F1 एंड F2, तो एक फोकस में सन प्लेस्ड होगा और प्लैनेट उसके चारों ओर रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। लॉ ऑफ एरिया क्यों कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है हम जितने नजदीक होंगे सन से उतना हमें ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स महसूस होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे सन से तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए कि हम अगर सन के नजदीक है तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, इट्स मींस जो एरिया कवर्ड हो रहा है इस पॉइंट में और इस तरह में जो एरिया कवर हो रहा है वो दोनों इक्वल होगा। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, अगर टाइम प्लैनेट मूव करने में 6 मंथ का ले रहे हैं सन के
फार अवे है तब वो मूव करने में, जितने टाइम 6 मंथ इधर ले रहे हैं तो अगर नेक्स्ट 6 मंथ जब सन के क्लोज जा रहे हैं तब भी वो ले रहे हैं, तो उस दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या है, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा। टाइम अगर सेम है तो एरिया भी प्लैनेट जो कवर करेंगे वो सेम ही कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या है कि लेट अस सपोज कि हमारा प्लैनेट है और प्लैनेट और सन का डिस्टेंस जो है वो आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। जो टी टाइम ले रहे हैं प्लैनेट पूरे ऑर्बिट में को कंप्लीट करने में, वो जो है वो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, अगर डिस्टेंस हम आर ले रहे हैं वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। ठीक है, तो ये इस थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ और पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इसमें हम पीरियड टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ जो था हमारा उससे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कह रहे थे, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं।